ओके मेन पार्ट ऑफ टेबल टेबल के मेन पार्ट क्या होते हैं एक टाइटल होता है टाइटल को हमने पे वीडियो में डिस्कस किया था देन कॉलम होता है द हेडिंग ऑफ कॉलम की हेडिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं कॉलम कैप्शन कहते हैं और वो जिस बॉक्स में लिखी जाती है उसे बॉक्स हेड कहते हैं और ये दे शुड भी अरेंज इन सच अ वे डेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टी प्लेस इन फर्स्ट कॉलम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टी फर्स्ट कॉलम में लिखनी चाहिए देन फर्दर फर्दर लिखनी चाहिए और उनके टोटल को राइट पर लिखते हैं स्ट्रीम राइट पर या स्ट्रीम लेफ्ट पे इन द वन ओनली द फर्स्ट वर्ड इन ईच कलम कैप्शन शुड भी कैपिटलाइज और जो कॉलम का पहला जो वर्ड है बस वो कैपिटल हो बाकी सब समॉल हो और एब्रिवेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं और मेन कैप्शन शुड भी सेंटर्ड ओवर द कॉलम इन द स्पेन एक्स्ट्रा लाइन शुड बी यू टू वे टू अवॉइड क्रोवलिंग इन कैप्शन बुक कैप्शन बुक में क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रोवल मतलब बहुत ज़्यादा हजूम से बचने के लिए हाँ आप एक्स्ट्रा लाइन भी यूज कर सकते हैं उसे तो सेपरेट करने के लिए और वैन एवर कैप्शन वैन एवर पॉसिबल कैप्शन विट शुड बी मेड रफली टू प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ नंबर टू बी इन्जर्टेड जिन्हें नंबर ऑफ साइज़ इन्जर्ट किए गए हैं उतने ही कैप्शन आप हाँ लिख सकते हैं रो कैप्शन या स्टम्प क्या है जो रो की हेडिंग होती है उसे रो कैप्शन कहते हैं और वो जिस बॉक्स में लिखा जाता है उसे स्टम्प कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द फोर कॉलम कैप्शन अप्लाइन टू रो कैप्शन इज स्टम्प कि वही प्रिंसिपल जो कॉलम पे अप्लाई किए गए हैं वही रो पर अप्लाई किए जाते हैं उस पार्ट को स्टम्प कहते हैं द स्टम्प इज लॉन्ग एंड हैज सेवरल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ये लॉन्ग होता है और बहुत से लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन रखता है मेजर क्लासिफिकेशन शुड बी कैपिटलाइज द सेपरेट द टेबल इन पार्ट और इसका जो पहला वर्ड होता है वो भी कैपिटल होना चाहिए और उसके अलावा वेन एवर द फिगर है मोर देन फोर और फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट द डिजिट शुड बी ग्रुप इन थ्री और फोर ग्रुप यानी जब बहुत ज़्यादा डिजिट हो तो उसमें क्या करते हैं जैसे टू थ्री वन सेवन एट थ्री टू सेवन हो तो इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे टू थ्री वन सेवन एट थ्री टू सेवन इसे बल्कि सेपरेट करके लिखेंगे इन द लॉन्ग टेबल सम स्पेसिस शुड बी लेफ्ट आफ्टर एवरी फाइव और टेन लो के कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी जाती है हर फाइव और टेन रो के के बाद टोटल शुड यूजली बी प्लेस एट द बॉटम टोटल बॉटम पे लिखा जाता है बट सम प्रेफर टू प्लेस एट द टॉप या जो स्टब होता है उसके टॉप पे उसके लेफ्ट कॉर्नर पे लिख लेते हैं या एंड पे लिखते हैं आइटम इन द स्ट शुड बी अरेंज एज इट टू फैसिलिटेट इजीली रीडिंग के रीडिंग करने में इसे आसान होता है एवरी स्टप शुड हैव एन अप्रोप्रिएट हैडिंग डिस्क्राइबिंग इन काउंट द हैडिंग शुड बी सेंटर एट द अपर लेफ्ट बॉक्स ऑफ द टेबल कि इसे अपर लेफ्ट बॉक्स ऑफ द टेबल पर होना चाहिए Prefactory note and footnote. Explanatory note intercooperate in the table beneath the title and beneath the body are called prefactory note and footnote. फुट नोट इसटेड भी अच्छा प्रीफेक्टरी नोट क्या है वो गिवन देते हैं एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डाटा इंडिकेटिव ऑफ आइटम इंक्लूड या एक्सक्लूड ऑफ ऑल द डाटा ऑफ द टेबल के में क्या ऐड करना है या क्या एक्सक्लूड करना है स्टेटमेंट ऑफ द बॉक्स देर आर प्लेस बिटवीन द टाइटल एंड बॉक्स हेड ये प्रीफेक्टरी नोट को ता, में टाइटल और बॉक्स हेड के मिड में लिखा जाता है मतलब अगर टाइटल में कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली रह गई हो तो वो हम इस नोट में एक्सप्लेन कर देते हैं द प्रीफैक्टरी नोट शुड बी इन लोअर केस लोअर केस अल्फाबेट में होना चाहिए फुट नोट आर यूजअली कलेरिफाई एनीथिंग इन द टेबल बाई द गिविंग द डिस्क्रिप्शन बाई ड्राइंग अटेंशन ऑफ इनकम इनकटनेस और बाय स्टेटिंग एनी स्पेशल सर्कमस्टांस ऑफ द डाटा द फुट नोट शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर फुट नोट को स्पेसिफिक इन नेचर होना चाहिए दे आर प्लेस इमिडिएटली बिलो द लाइन ऑफ द टेबल अबब द सोर्स फुट नोट शुड भी प्लेस एट फो फुट नोट का कहाँ कहाँ प्रेस करें इट इज प्रेफर टू बी इट इज रेफर टू एन एंटायर कॉलम और सेट ऑफ कॉलम प्लेस डैम ऐट द एंड ऑफ द अप्रोप्रिएट कैप्शन कि इसे एंड ऑफ द अप्रोप्रिएट कैप्शन पर प्रेस करें इफ़ दे रेफर टू एन एंटायर रो और सेट ऑफ रो प्लेस दैम एट द एंड ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइटल अगर वो किसी एक रो को स्पेसिफिक शो ऑफ कर रहा हो उसे एक्सप्लेन कर रहा हो तो उस स्ट के आगे भी आप लिख सकते हैं दे इफ दे रेफर टू अ सिंगल सेल इन द टेबल प्लेट बिसाइड द सेल एंट्री इन द बॉडी ऑफ द टेबल देन अगर ये किसी एक सेल को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस सेल में की एंट्री के बाद उसे लिख दें सोर्स नोट क्या है एवरी टेबल शुड हैव अ सोर्स नोट हर टेबल का एक सोर्स नोट होता है अनलेस द टेबल इज दैन ओरिजिनल टेबुलेशन एंड सोर्स इज क्लेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स इट प्लेयर इमीडिएटली बिलो द टेबल एंड बिलो द फुट नोट इसे फुट नोट के नीचे लिखा जाता है द सोर्स नोट मस्ट इंक्लूड द कंपाइलिंग एजेंसी पब्लिकेशन ये किसे किसे शो करता है कंपाइलिंग एजेंसी को पब्लिकेशन पब्लिक किसने किया है पब्लिश किसने किया डेट ऑफ पब्लिकेशन कब पब्लिश हुआ है और पेज कितने यूज हुए हैं पेज एंड अ मीन ऑफ वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस और रेफरेंस भी लिख सकते हैं ओके okay, लिखा जाता है सोर्स नोट में बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा में क्या है द बॉडी ऑफ टेबल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी क्या है विच है इंटायर डाटा अरेंज इन कॉलम एंड रो जिसमें डाटा को कॉलम और रो की शक्ल में अरेंज किया जाता है आर रफ स्केच अनेबल टू द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम नीचे एक स्केच बनाया गया जो कि रो, रो और कॉलम को शो कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन मेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टेबल देन द डाटा में बी अरेंज इधर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर या अकॉर्डिंग टू दाइ टाइम ऑफ एक्कोरेंस या तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है या टाइम ऑफ एक्ोरेंस के हिसाब से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन लोकेशन के अकॉर्डिंग टू मैगनीट्यूड और इम्पोर्टेंट बाई अ कस्टमली अ क्लासिफिकेशन क्लासीफाइंग मैन वूमेन और चिल्ड्रन वैन एवर अरेंज आर यू द टेबल शुड बी नीट सिंपल एंड अट्रैक्टिव टेबल को होना चाहिए नीट सिंपल और अट्रैक्टिव ओके उनमें स्पेसिंग और रूलिंग का क्या है स्पेसिंग एंड रूलिंग अ प्रॉपर एंड ज्यूडिकल यूज ऑफ स्पेसिंग एंड रूलिंग एंड एनहांस द इफेक्टनेस ऑफ द टेबल एंड हेल्प टू सेपरेटिंग एंड एम्फेसाइजिंग सर्टेन सटेन एट के टेबल के अंदर लाइनें और स्पेस यूज की जाती है जो कि हर चीज़ को सेपरेट कर देती है और उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है थिक एंड डबल लाइन रूलिंग आर यूर फॉर एम्फेसाइज एंड फॉर सेपरेटिंग द टाइटल द बॉक्स हेड द स्टॉप ये क्या है कि जो हम बड़े लाइन या डबल लाइन यूज करते हैं टाइटल बॉक्स हेड और कैप्शन हेड या स्टम्प को अलग करने के लिए और और इसके बाद थिन लाइन करते हैं जो है कैप कॉलम की जो वैल्यू है कॉलम और और रो की जो वैल्यूज हैं उनको शो ऑफ करने के लिए जनरल क्या है देर आर सम अदर कंसीडरेशन टू देर आर इन्यूमिनेशन बिलो और टेबल शुड बी सिंपल टेबल को सिंपल होना चाहिए या कम्पलेक्स टेबल इफ पॉसिबल मे बी ब्रोकन इनटू रेलिटिवली सिंपल टेबल कि कम्प्लेक्स टेबल को सिंपल टेबल में में ब्रेक डाउन कर देना चाहिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड नेचर ऑफ डाटा शुड बी स्पेसिफिक इन टाइटल कैप्शन एंड परसेंटेज परसेंटेज शुड भी क्लियरली इंडिकेट एट परसेंट ऑफ टोटल मतलब परसेंटेज के कॉलम के ऊपर लिखना चाहिए या लोह के ऊपर कि परसेंटेज ऑफ टोटल का है ये हंड्रेड परसेंट है इन इफ द फिगर एंटर एट द टेबल आर राउंडेड ऑफ इट शुड बी इंडिकेटेड इन परिफेक्टली नोट इन द स्ट और कैप्शन कि वो वहाँ पर लिखना चाहिए कि ये इसे हम हमने राउंडिंग ऑफ किया है स्टॉप या कैप्शन में जीरो नीड नो टू एंटर जीरो एंटर करने की जरूरत नहीं है माइनस साइन एज अ पार्ट ऑफ टेबल एंड प्रोसीड द नंबर माइनस साइन आएगा द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट टू तो द होल शुड बी शोन बाय थिन और हैवी रोलिंग जो है रिलेशनशिप पार्ट पूरे पार्ट का उसे थिन या हैवी लाइन से शो किया जाता है द आइटम एंड आइटम टू एम्फीसाइड शुड बी प्लेस इन मोर प्रोरमिनेट पोजिशन ऑफ टेबल यहाँ पे एक स्केच बनाया गया बोर्ड बॉक्स सेड है देन उसके उसके नीचे जो है उसे स्टप कहा गया फिर कॉलम कैप्शन है उसके नीचे जो है यूनिट वगैरह उनके नाम लिखे हैं फिर उसके बाद बॉडी है और फुट नोट साइड पे नीचे लिखना है सोर्स नोट भी नीचे लिखना है प्री नोट टाइटल के नीचे आएगा इसका स्केच है देन एग्जाम्पल है एग्जाम्पल में क्या है इस तरह से शो किया गया बोथ जेंडर मेल फीमेल वो जन्डर कॉलम की हैडिंग है फिर मेल फीमेल उसे सब हैडिंग में डिवाइड किया गया एरियाज है फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज अर्बन रूरल और ये क्या है ये इसे शो किया गया फिर अंदर मटेरियल है बॉडी में सोर्स हैट तो और वो नहीं है ओके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन अ टेबल द डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इन टू क्लासेज एंड ग्रुप टूगैदर ओके जब हम डाटा को टेबल में मुख्तलि क्लासेज और ग्रुप में करते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रीकवेंसी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन पार्टिकुलर क्लास डेफर टू ए क्लास फ्रीकवेंसी जो इस क्लास में फॉल करती है उसे उसकी क्लास उसकी फ्रीकवेंसी या फ्रीकुंसी कहते हैं उसे डी एफ से शो करते हैं क्लास लिमिट क्या है क्लास लिमिट में यह है कि एक डाटा हमारे पास गिवन होता जाते हैं फ़िफ्टीन टू हमारे पास फिफ्टी तक ट्वेंटी फोर तक वैल्यूज़ हैं उनके पहले हम क्लासेज में द क्लास लिमिट आई डिफाइन एज द नंबर और द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिस्क्राइब द क्लासेज द स्मॉलर नंबर इज लोअर क्लास और जो लार्जर नंबर है वो हायर क्लास पर आती है और जो जो जहाँ से क्लासेज के लिमिट जो है वो इंक्लूसिव हैं द वैल्यू कॉरस्पोंडिंग एग्जैक्टली टू द लोअर लिमिट और द अपर लिमिट इंक्लूडेड इन द क्लास जो लोअर लिमिट उसमें इंक्लूडेड होती है जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूडिड होती है वो नेक्स्ट लिमिट में इंक्लूडेड होती है स्पोर्ट डेट द डाटा रिकॉर्डिंग इन नियरस इंटीजियर देन वो अप्रोप्रिएट फॉर डिफाइनिंग द कला लिमिट विदाउट ओवरलैपिंग ओके हमारे पास है टेन टू फोर्टीन देन फिफ्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ये सारे क्या क्लासेज शो करें अगर कोई नंबर आ जाएगा जैसे एटीन तो वो फिफ्टीन से एटीन की क्लास में लाई करेगा और अगर एंड पे कहीं पे नंबर पे स्टॉप हो तो उससे क्लोज एंड कहते हैं और अगर या एंड वाले डमिट में एक्स्ट्रा या अबव ओल जैसे ट्वेंटी फोर एंड अबव ओल करेंगे तो वो ओपन एंड क्लासेस बन जाएंगी और क्लास बाउंड्री क्या है कि इसमें क्या करते हैं हर क्लास की जो लिमिट होती है पहली क्लास की लोएस और दूसरे की हाईएस्ट को जब ऐड करके टू में पे डिवाइड करते हैं और दोनों जगह पे वही वैल्यू लिखते हैं वो क्लास बाउंड्री कहलाती है और अगर वो वैल्यू आ जाए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है नाइन पॉइंट फाइव फोर्टीन पॉइंट फाइव और फोर्टीन फाइव पॉइंट यहां पर क्या था यहां पे थर्टीन था वहाँ फोर्टीन था इन दोनों को ऐड किया तो दोनों जगह पर फोटीन पॉइंट फाइव लिख दिया अब अगर फोर्टीन फाइव पॉइंट फाइव वैल्यू आएगी तो हम नेक्स्ट वाली में जहाँ पर लोयर्स लिमिट है फोर्टीन पॉइंट फाइव वहां पर ये वैल्यू लिखेंगे और क्लास मार्क क्या

नाइन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन मतलब फाइव फाइव का डिफरेंस है इसे कहते हैं इसका इंटरवल या विर्थ डिफरेंस इसके लेने को कंस्ट्रक्टिंग और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनमें क्या है डिसाइड ओ द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू टू विच द एरिया डेटा टू बी ग्रुप अच्छा इसके लिए के की वैल्यू लेते हैं वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री लोग एंड ये फिक्स है इससे के की वैल्यू ये इसकी विर्थ को शो कर रहे हैं ओके okay, उसके बाद क्या है डिटरमिन द रेंज ऑफ द वेरिएशन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड द स्मॉलर वैल्यू